Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. So this session is very important for all the candidates who clear their written examination, ठीक है? So आज मैं आप लोगों के साथ अपना personal experience share करूँगी कि क्या मैंने face किया था अपने life में इतने experience से, ठीक है? So it will help you. All the candidates who are going for interview must watch this video because at least they have an idea कि what was the situation was there, ठीक है? आप लोगों को एक थोड़ा बहुत idea मिलेगा, so be ready एंड अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको अपने आपको प्रेजेंट करना है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस, आपके पास बहुत कम समय है, इतने कम टाइम में अपने आप को इम्प्रूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर माई वीडियो ऑल्सो कि इंटरव्यू की तैयारी भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप अपना रिटर्न की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बट डोंट वरी, एवरीवन हैव अ यूनिक पर्सनालिटी, तो बी योरसेल्फ, आपको अपने जो आप हैं वही आपको रहना है, ठीक है? तो मैं आपको अपने इंटरव्यू के कुछ एक्सपीरियंस से ये वीडियो शेयर करूँगी, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिले और समझ में आए कि आप लोगों को किस तरीके से अपने आप को उन लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम. सी माई डियर स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि वट आर द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल आस्क यू क्वेश्चन. मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं तो आपको उन क्वेश्चन के आंसर्स को अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी, बट पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना इंटरव्यू फेस किया था एंड कैसे आप लोग भी अपने आप को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस, देन आई विल गिव यू सम सजेशंस दैट इज़ वेरी मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है? सो देखिए, जैसे आप लोग इंटरव्यू बोर्ड में एंटर करेंगे, सो बी रेडी कि आपका इंटरव्यू टेस्ट, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? आप लोग जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आपकी तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो रिटन इंटरव्यू क्लियर करके वहाँ पे पहुँचे हैं. सब में एक अलग ही जोश, सबके अंदर वो चीज़ होती है जो आपके अंदर है, ठीक है? अगर कोई वहाँ पे इंटरव्यू देने गया है तो एवरीवन हैव अ सेम पैशन टू जॉइन इंडियन आर्मी, बट हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि आप अदर कैंडिडेट्स से थोड़े बहुत भी अलग दिखते हैं. क्या करना है, जैसे मैं वहाँ पे गई थी तो मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ठीक है? सो उसके बाद दे विल, आप लोग के सबसे पहली बार डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर लेके जाइए, अदरवाइज वहाँ पे हेजिटेशन होगी, नर्वस हो गए तो आपका इंटरव्यू ख़राब होगा, ठीक है? बिकॉज हमारे माइंड में वही चलता रहता है ना साइकोलॉजी की, हाँ मेरे मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं लाई, मैं ये नहीं लाई, वो नहीं लाई. ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, उस वीडियो को देखिए और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए, ठीक है? अब आप देखिए, जैसे आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपकी तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे होंगे एंड वो लोग आपस में डिस्कस करते रहेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या पूछेंगे, क्या नहीं. बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी डिस्कस मत करिए कि क्या है वहाँ पे. देखिए, इंटरव्यू में आपका कोई नॉलेज चेक नहीं होने वाला है, ठीक है? जैसे मेरे से पूछा था कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं डिफेंस फोर्स, आपके फादर हैं तो किस में है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका सेकेंड ऑप्शन क्या है, बेसिक क्वेश्चंस. मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आपसे बेटर तो कोई और नहीं बता पाएगा ना कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस, ठीक है? तो आप लोगों को वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना है. किसी कोचिंग ने आपको रटवाया है आंसर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपको वहाँ पे बताना है कि हाँ, कोचिंग सेंटर ने तो मुझे ये आंसर बताया था कि मैं इसलिए एमएनएस ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैं यही बोलूँगी, बिल्कुल नहीं. समझ में आ रही है बात? आप जो हैं आप अपने आप को वही दिखाइए, ठीक है? वो बहुत सालों से एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, आप उन लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हो. आप ये सोचोगे कि हाँ, मैं ये आंसर रट के जाऊंगी और मैं यही बोलूंगी तो माई इंप्रेशन वॉज गुड. नो, नथिंग, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे जो आप लोग सोच के जा रहे हैं, ठीक है? बेसिक आपसे क्वेश्चंस, आपके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. अगर आपके फादर हैं, आप खुद सोचिए, अगर आपके फादर डिफेंस में है, मिलिट्री में है, तो पूछेंगे ना थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कि हाँ किस में है, क्या है, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड. अरे समझ में, तो ये तो बेसिक्स क्वेश्चन है ना. कोई भी इंटरव्यू देने आप जाओगे तो वहाँ पर ये सब पूछा जाएगा कि सेकेंड ऑप्शन बताइए अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हैं. वही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस, क्यों आप एमएनएस ज्वाइन करना चाहते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या ऐसा
ऐसा मोटिव है, क्या ऐसा इंस्पिरेशन जिसकी वजह से आप एमएनएस में ही जाना चाहते हो? ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट यूअर सेल्फ, अपने बारे में बताइए कुछ। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट निगलेक्ट कर लेते हैं, क्या कि देखिए करंट अफेयर्स से वो लोग कुछ कुछ पूछ देते हैं। जैसे अभी एक लीडर की डेथ हुई है, अमलास पासवान, आप लोगों ने सुना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ करंटली कौन लीडर है जिसकी डेथ हुई है। मे भी वो लोग पूछ देते हैं, अगर कोई कैंडिडेट बिहार से है, यहीं से है, तो वो पूछ देंगे कि अच्छा आपके कैंडिडेट में किसी की वो हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी आपको मिलिट्री की कुछ रैंक्स पता होनी चाहिए। अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ देयर क्वेश्चन, आपको नहीं पता कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है, तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है कि मुझे आंसर नहीं पता, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सिंपली बोलना है सॉरी सर आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई कि मैं इसका आंसर जल्दी अब आंसर सर्च करूं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लूं एंड देन मैं आपको बताऊं। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, उनको तो पता है आंसर, वो सिर्फ जानना चाहते हैं इस एबिलिटी से कि आपके अंदर सीखने की क्वालिटी है या नहीं है, अडेप्टेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सर्वाइव समझ लो। वो आपके सामने प्रेशर क्रिएट करेंगे ज़बरदस्ती आपको प्रेशर में डालने के लिए, क्यों? बिकॉज आप डिफेंस में जा रहे हो, हमेशा नॉर्मल सिचुएशन नहीं मिलेंगी। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, कभी कभी ऐसे होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होंगे, तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से करोगे वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। वो करंट अफेयर के कुछ भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें वो आपको फंसा देंगे, आ रहे बात समझ में? तो आपको नर्वस नहीं होना है कि अरे ये क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही कूल और बहुत ही काम होते हैं। ठीक है, आपको अपने आपको जो आप हैं ना, अपने आपको सिर्फ वही प्रेजेंट करिए, दिखावा करके मैंने आप लोगों को पहले बताया था, देर आर टू टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, वन इज आउटर पर्सनैलिटी एंड अदर इज इनर पर्सनैलिटी। दे विल नॉट चेक यू योर आउटर पर्सनैलिटी कि हाँ मैं बहुत अच्छा ड्रेस कोड पहन के जाऊंगी तो आई विल सेलेक्टेड, नॉट एट ऑल। ठीक है, दे विल चेक यूर इनर पर्सनैलिटी कि हाउ यू आर अडेप्टिव, हाउ यू आर फ्रेंडली, ऑल द क्वालिटीज मैंने डिस्कस की है, कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, दे विल चेक यू। ठीक है, वो प्रेशर करेंगे आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर्स नहीं पता होंगे, वो जान बूझ के पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? बिकॉज आपको उस सिचुएशन में डालने के लिए कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है उस सिचुएशन में, आप किस तरीके से खुद को अडप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से खुद को ढाल रहे हैं, आ रही बात समझ में? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है बिकॉज बहुत कम टाइम है, तो आप लोग खुद के बारे में सिर्फ इन क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, खुद से आंसर करिए कि आप क्या करेंगे, बिल्कुल कूल होके जाइए। वहाँ पे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि कुछ लड़कियाँ आपस में डिस्कस कर रही होंगी कि हम इस तरीके से आंसर देंगे, इस तरीके से देंगे, आपको नहीं वो सब चीज़ों में पढ़ना है। ठीक है, आपको ये बस याद रखना है कि मैं जो हूँ मुझे वही प्रेजेंट करना है, मुझे नहीं किसी का आंसर आता है तो सिंपली सॉरी सॉरी सर आई डोंट नो बट आई विल ट्राई, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से वहाँ पे जाना है, और याद रखेंगे जिस समय से आप अंदर एंटर करेंगे उस समय से आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी चेक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिहेव लाइक अ ऑफिसर, दो दिन के लिए खुद को ऑफिसर समझ लीजिए कि आप ऑफिसर हैं, ट्रीट करिए उस तरीके से खुद को, कुछ नहीं आता ना, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, सबसे पहली बात बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो दे विल रिजेक्टेड, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आप हिंदी में रिस्पांस दीजिए, बट इस तरीके से दीजिए कि आई विल ट्राई कि आप लोग इंग्लिश को एज अ प्रेफरेंस लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, बट प्रीफर करिए कि आप लोग जितना अच्छा हो सके इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का, अगर नहीं आता है हिंदी में बोल दीजिए, बट फिर ट्राई करिए कि बैक टू इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में रिप्लाई करिए। ठीक है, अपने आप को सिर्फ वहाँ पे दो दिन के लिए एक ऑफिसर की तरह समझ के अपने आप को प्रेजेंट करके आना है, दैट्स इट। आ रहा है समझ में? तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे एकदम बढ़िया से, एंड यू ऑल विल डेफिनेटली क्लियर योर इंटरव्यू। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। अगर आप लोग कोई डाउट हो स्टिल यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, मैं जल्दी से उनका रिप्लाई कर दूंगी बिकॉज ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अच्छे से करिए, एंड कोई भी दिक्कत हो तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस डाले हैं, आप क्वेश्चंस को अपने आप से रिप्लाई करिए, किसी के बातों को मत सुनिए कि ये ऐसा बोल रहा है तो मैं भी यही रिस्पॉन्स दूंगी, नहीं, आप जो हैं अपने आप को प्रेजेंट करिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।